हेलो माय यूट्यूब फैमिलीज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज का जो वीडियो है वो है टेपिंग सिस्टम के ऊपर कि टेपिंग सिस्टम हेयर पैच किस तरीके से आपको यूज करनी चाहिए, टेपिंग सिस्टम के क्या साइड इफेक्ट हैं, टेपिंग सिस्टम के क्या फायदे हैं, आज का ये वीडियो में मैं पूरी बताने वाला हूँ। या अगर आप टेपिंग सिस्टम पे पैच लगा चुके हैं और आप अपने से टेपिंग सिस्टम नहीं कर पा रहे हैं तो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे टेप लगानी चाहिए और कैसे आपको अपनी हेड पे से फिटिंग करनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं टेपिंग सिस्टम को अच्छी तरीके से समझना तो आप इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक आप जरूर कर दें, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो होंगी हेयर पैच से जुड़ी हुई वो आप तक पहुंच सके। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि आज का ये वीडियो टेपिंग सिस्टम पे होने वाला है, तो टेपिंग सिस्टम के क्या सिस्टम है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मैं सारी बातें इस वीडियो पे रखने वाला हूँ। जैसे कि आप सबों को पता है कि टेपिंग सिस्टम जब करने को मैं कहता हूँ तो सबसे पहले कहता हूँ कि अगर आपके ये क्राउन एरिया के जो हेयर हैं, ये ऊपर के जो हेयर हैं, जब काफी कम हो गए हों, आपके हेयर नहीं के बराबर हों, आप टोटली स्टाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तब आप टेपिंग सिस्टम पे आप जाएं। क्योंकि अगर आपके हेयर इधर भरे पड़े हैं और आप टेपिंग सिस्टम पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं होगा। रीजन ये होता है क्योंकि ये पूरे एरिया को निकालना होता है। तो अगर ये आपके हेयर भरे पड़े हैं और आप टेपिंग सिस्टम पे फुल हेयर पैच लगाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका नेचुरल हेयर बर्बाद हो, क्योंकि नेचुरल हेयर की जो खासियत और जो अहमियत है वो हेयर पैच से पूरा नहीं हो सकता, जैसे कि आप सबों को पता है। इनके फ्यूचर में आप अगर चाहें ट्रांसप्लांट करना और आप रेगुलर इधर पे आप टेपिंग सिस्टम करते रहेंगे तो उस हेयर को कहीं ना कहीं क्यों ना 5% ही नुकसान हो, लेकिन वो तो होने वाले चांसेस हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी रिस्क लेने से बेहतर है कि अगर आपके इधर के हेयर भरे पड़े हैं तो आप क्लिपिंग सिस्टम पे जाएं और आप जब आप चाहें सामने की तरफ में ट्रांसप्लांट करा लेना, तो आप ट्रांसप्लांट कराकर आप अपनी हेयर स्टाइलिंग को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके हेयर भरे पड़े हैं तो आप क्लिपिंग सिस्टम के ऊपर जाएं, अदरवाइज अगर आपके हेयर काफी झड़ चुके हैं, आप हेयर स्टाइलिंग टोटली नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टिपिंग या फिक्सिंग के ऊपर जा सकते हैं। फिक्सिंग के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आज का इस वीडियो में मैं टोटली आपको टेपिंग सिस्टम के ऊपर ही बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेपिंग सिस्टम, ये एरिया आपका जब खाली हो गया हो तब आप टेपिंग सिस्टम को पर जाएं, क्योंकि मान लिया आपके हेयर भरे पड़े हैं तो ये एरिया को टेपिंग सिस्टम पे क्या होता है कि निकाल देना होता है। लेकिन बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जिनके हेयर भरे पड़े हैं, अगर वो चाहें तो ऐसे ही भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार उसे निकलवा दिया तो फिर क्या होता है कि आप ऐसी हालत में नहीं घूम सकते, आपको टेपिंग वाली पैच लगाकर ही बाहर निकलना होता है। हाँ, अगर आपके हेयर जा चुके हैं काफी ज्यादा तब आप टेपिंग सिस्टम पे आप चले जाएं, है ना, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, टेपिंग सिस्टम के क्या साइड इफेक्ट हैं। टेपिंग सिस्टम में साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होते, आपके सीन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो अपनी खुद की एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, काफी दिनों से मैंने ये काम किया है और बहुत सारे लोगों को किया है, इसलिए जो ग्लू में साइड इफेक्ट है इसलिए मैं जाहिर भी करता हूँ, लेकिन टेपिंग सिस्टम में कोई साइड इफेक्ट अब तक नहीं देखा गया है। हाँ, अभी जो बात है टेपिंग सिस्टम में जो फैक्ट है वो मैं आपको रखने वाला हूँ। अगर टेपिंग सिस्टम में, जैसे कि मैं खुद ही बोलता हूँ कि 15 से 20 डेज रह जाती है या मिनिमम हफ्ते भर रह जाती है, लेकिन अभी बहुत सारे कंपनी के टेप में ऐसा भी हो रहा है कि ग्लू की पावर की कमी होने की वजह से वो इतने दिन नहीं रह पाते शुरुआती दौर पे। जैसे आपने अगर पैच फर्स्ट टाइम आपने लगाया तो किसी किसी का जो होता है स्वेट बहुत ज्यादा होते, किसी का ऑयलिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण फर्स्ट डे या तो सेकेंड डे में ही हेयर पैच निकल जाते हैं, जिनके कारण ऐसा होता है कि वो क्लाइंट अंदर से बहुत नर्वस हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा अगर हेयर पैच लगाता है तो वो सोचता है कि मैं ऑलवेज हैप्पी रहूं, लेकिन फर्स्ट टाइम भी अगर उनके साथ ऐसी कुछ हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही नर्वस फील करते। इसलिए मैं आपको पहले से ही प्रिपेयर कर देना चाहता हूँ ताकि आप ना घबराएं। टेपिंग सिस्टम में ये होता है
कि आपने टेप लगाया तो ये 15 से 20 डेज भी रह सकते हैं, 7 डेज भी रह सकते हैं, लेकिन अभी जो एक से दो दिन में निकल जा रहे हैं वो बड़ी परेशानी है। तो ऐसे में एक काम किया जा सकता है कि अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है किसी ग्लू का या तो किसी क्रीम से, तो फर्स्ट टाइम में आप पेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम में पेस्टिंग कर लिया, एक से दो पेस्टिंग सिस्टम हो गई, उसके बाद में क्या होता है कि आपकी स्किन थोड़ा यूज टू हो जाता है ग्लू से, उसके बाद आप टेपिंग सिस्टम पे कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम पे टेपिंग किया और आपको सूट कर गया, आपका 15 से 20 डेज लगी रह जा रही है, तब आपको ग्लू पे नहीं करना है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक और खास बात, टेपिंग सिस्टम बहुत ही इजी सिस्टम होता है। इसे क्या होता है कि आप कभी भी निकाल सकते हैं, या अदरवाइज आप 15 से 20 डेज तक रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। बहुत सारी क्वालिटीज के टेप आते हैं, अगली वीडियो में ये भी मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या टेप आते हैं और क्या क्या उसकी होल्डिंग पावर होती है। तो दोस्तों मेरे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेपिंग सिस्टम की क्या सिस्टम है, क्या फायदे हैं। फायदे बस ये हैं कि आपके जो हेयर हैं, जो हेयर है होते हैं आपके नेचुरल हेयर, उसे निकालने होते हैं, निकाल कर पेस्ट कर देना होता है, वो 15 से 20 डेज रह जाती है और उस पर आप बहुत सारे एक्टिविटीज जो भी खेलते हैं, अगर खेल सकते हेलमेट वगैरह यूज कर सकते। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हेलमेट क्या यूज कर सकता हूँ, तो यस, टेपिंग सिस्टम के ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है हेलमेट यूज करने से। आप ऑफकोर्स हेलमेट आप यूज कर लें, या कुछ अगर गेम्स खेलते हैं, फुटबॉल क्रिकेट जो भी खेलना चाहें आप वो खेल सकते हैं, जिम वगैरह सारे एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर स्विमिंग की बात रही, जैसे बहुत सारी ये भी पूछते कि स्विमिंग करूं या नहीं, तो स्विमिंग करने के वक्त में आपको ध्यान रखनी है कि आपके टेपिंग की सिस्टम की जो होल्डिंग है वो अब तक कैसी है। ऐसा नहीं कि आप लूज हो गया हो टेप और आप स्विमिंग में चला जाए स्विमिंग करने को और पैच निकल जाए, तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात हो सकती है आपके लिए। तो उसका आपको ध्यान रखना है आपको देखकर। और एक खास बात टेपिंग सिस्टम में बताना चाहूंगा कि हेयर स्टाइलिंग जो होती है वो बहुत मस्त होती है, लेकिन आप टेपिंग सिस्टम यूज कैसे करेंगे मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेप को लगाना होता है, मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। आप इस वीडियो को पूरी देखें कि किस तरीके से टेपिंग सिस्टम को लगाना होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से टेप को काटना है, काट कर जो फ्रंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फ्रंट का जब टेप लगाएंगे फ्रंट में, तो ध्यान ये रखना है कि ये जो टेप का जो बॉर्डर है ये हमारे पैच के बॉर्डर से बाहर नहीं आनी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि टेप के अंदर होनी, बॉर्डर के अंदर होनी चाहिए ये टेप। अब इस तरीके से हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद पहला जो टेप का जो होगा प्लास्टिक निकालने में थोड़ा सा मशक्कत होता है बोथ साइड वाले में, तो पहला किसी भी टेक्निक से अच्छे से थोड़ा सा निकाल लेना है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा जब टेप अप लगाएंगे तो बहुत ही इजी निकलता है, क्योंकि हम लोग जो टेपिंग करते हैं तो टेप के ऊपर ही टेप लगाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, ये पहला टेप जो लगाया मैंने स्ट्रिप, ये निकल चुका है। निकलने के बाद में अब जो हम लोग दूसरा टेप जो लगाएंगे कट कर करके, तो टेप के ऊपर ही टेप को लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो टेप लगेगा ये टेप का ऊपर ही लगेगा, तो इससे क्या होगा, मुझे जो टेप का जो ऊपर का जो लेयर है वो निकालने में आराम होगा। जैसे कि देख सकते ये बहुत ही इजी अब निकल जा रहा है। तो जैसे कि आप सबों को पता है, अगर आप टेपिंग सिस्टम कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कैसे करके टेपिंग करनी है। जैसे कि मैं बार पहले भी बताया हूँ, ये जो टेप के जो बॉर्डर है पैच के बॉर्डर से बाहर नहीं आनी चाहिए, ये बस थोड़ा सा एक सूते भर जो होता है वो अंदर होनी चाहिए और टेप के ऊपर ही टेप लगते हुए जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरीके से पूरे बॉर्डर पे टेप लगाना है। आप देख पा रहे हैं कि इसी तरीके से पूरे बॉर्डर पे आपको टेप लगाते हुए चले जाना है, ताकि जब आप टेपिंग करेंगे आप अपने स्कल्प में, तब अच्छे से वो पेस्ट हो जाए आपके स्किन के ऊपर में और अच्छी होल्ड के साथ में वो आपके सर पे चिपक जाए। टेपिंग बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ये जॉनसन की टेप है जो मैं अभी लगा रहा हूँ, ये जॉनसन की टेप है। तो जॉनसन के जो टेप होते हैं वाइट येलो, जैसे कि ये येलो भी देख सकते हैं आप, ये ट्रांसपेरेंट जो टेप है आपकी वॉल्कर की टेप है, और भी टेप आते हैं
तो बहुत लंबी वीडियो हो सकती थी, इसलिए सारे टेप को एक बार में मैं कवर नहीं करूंगा। तो जस्ट 2 से 3 टेप को मैं दिखा रहा हूं, लेकिन आप जो भी टेप यूज करते हैं आपको इसी तरीके से ही टेप बॉर्डर पे लगाना होता है। आप जो भी पैच लेते हैं मोनोफिलामेंट वाली, है ना, क्योंकि मोनोफिलामेंट वाली जो पैच होता है उस पे ही आप सेल्फ सर्विस आप कर सकते। देख सकते कि कितना इजी ये टेप लगता हुआ जा रहा है। अगर आपको परेशानी हो रही है टेपिंग सिस्टम लगाने में या तो टेप लगाने में, तो आप ये वीडियो देखकर आप फिर से बहुत ही इजी कर पाएंगे। बस आपको जस्ट करना ये है कि आपको सीजर अच्छी रखनी है, और जब आप टेप को कट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी फिंगर पे ना लगे, ये आपको खास कर ध्यान रखना है। तो जब भी आप कट करेंगे तो फिंगर को थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे सीजर से, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर फिंगर कट गए तो बहुत परेशानी हो सकती है ना। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे बॉर्डर पे लगभग पैच को लगा डाला है। ये थोड़ी सी स्पेस बाकी रह गई है, अब ये लगभग पूरी होने वाली है। लेकिन जब आप शुरुआत में करते हो तो थोड़े वक्त लगते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत जल्द कर लोगे, लेकिन आप अगर इस्तेमाल एवरीडे या हफ्ते में 2 बार 3 बार या 15 दिन में एक बार जब करेंगे आप कंटिन्यू, तो ये फिर यूज टू हो जाने के बाद में बहुत ही इजी से आप भी कर पाएंगे। जैसे कि देख सकते मैंने ये टेप लगा दिया। ये डिमांड था हमारे क्लाइंट का कि टेप किस तरीके से लगाया जाता है, उसका एक वीडियो बना दें आप, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ ताकि वो भी सीख जाएं। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप भी अगर टेपिंग सिस्टम पे आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपको भी ये पता चल जाए कि टेपिंग किस तरीके से लगाना होता है। ये जब ये टेप आप लगा लेंगे तो खास कर आपको ध्यान रखना है कि पैच को लगाने से पहले आपको ये मार्कर रखना है, क्योंकि जब वाइट टेप आप रखेंगे तो होता यह है कि पेस्टिंग होने के बाद में जब ये ऐसे उठते हैं ना, जब स्पाइक वगैरह करते या बैक ब्रश करते, तो ये टेप का जो बॉर्डर होता है वाइट, ये जो वाइट जो बॉर्डर है वो दिखने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको करना ये है कि बॉर्डर पे जस्ट आपको मार्कर लगा देना है ताकि ये जो वाइट शेड है वो ना दिखे। इस तरीके से आप अगर मार्क कर देंगे बॉर्डर पे तो क्या है कि आपको बॉर्डर पे वाइट अब नहीं दिखेगा, और जब आप स्पाइक या बैक ब्रश भी आप करेंगे तो ये अच्छा दिखेगा। अब मैं दिखाने वाला हूँ कि टेपिंग से, अगर टेप आपने लगा लिया, टेप लगाने के बाद में किस तरीके से हेयर पैच को अपने हेड पे फिटिंग करनी है। तो हेड पे जो फिटिंग करने का जो बहुत ही इजी सिस्टम जो होगा, ये होता है कि जैसे कि आपकी फ्रंट है, ये फ्रंट है, फ्रंट के पास जस्ट हम लोग पकड़ेंगे इस तरीके से, फ्रंट के पास बस इस तरीके से पकड़नी है। पकड़ कर क्या करना है कि इसे अपने हेड के जो हेयर लाइन है अपना, जहाँ से अपने को हेयर लगाना है, एक मार्क कर लीजिए आप। अगर शुरू में आपकी आदत नहीं है तो किसी भी पेन से या मार्कर से एक मार्क कर लीजिए, और फ्रंट का जो पॉइंट होगा जस्ट इसे यहाँ पे रखनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने रख दिया, और इसे पेस्ट कर लेना है। फिर ये जो बॉर्डर देख रहे हो आप, इस बॉर्डर को पकड़नी है इस तरीके से और इसे पेस्ट कर देनी है इसी तरीके से। ये फिर ये बॉर्डर आ गया, आगे की तरफ जाऊंगा और इसे पकड़ूंगा, पेस्ट कर दूंगा, फिर इसी तरीके से बॉर्डर को पकड़ूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो इसी तरीके से आपको पेस्ट करते हुए चला जाना है, और ये अब पेस्ट हो गया। उसके बाद जस्ट हेयर स्टाइलिंग अगर करनी है तो अपने से कर लिया। जब भी आप हेयर स्टाइल करें तो हल्का सा पानी जरूर इस्तेमाल करें, और सीरम आप जरूर लगाया करें ताकि हेयर में हल्का शाइनी रहनी बेहद जरूरी है। जब आप सीरम वगैरह यूज करेंगे तो क्या होता है कि थोड़ा शाइनी होती है तो ग्लैमरस लगते पैच दिखने में, या सीरम बहुत जल्दी सूख जा रहे तो आप हल्का सा ऑयल भी कोकोनट यूज कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं, या अगर आपकी कोई भी डिमांड हो हेयर पैच से जुड़ी हुई तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं या जानकारी पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।